दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक 4x4 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने की सबसे आसान मेथड दिखाने वाला हूं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 4x4 का जो रूबिक्स क्यूब होता है इसका कोई भी एज फिक्स नहीं होता है। 3x3 में जो सेंटर होते हैं वो फिक्स होते हैं, 4x4 में नहीं होते। इसलिए 4x4 में हमें जो भी कलर कॉम्बिनेशन है, यानी कि व्हाइट के अपोजिट में येल्लो आता है, ठीक है, ब्लू के ऑपोजिट में ग्रीन आता है, ठीक है, इसको हमें 3x3 के जैसे देखकर हमें फिक्स करना पड़ता है। तो 3x3 अगर आपको नहीं आता है सॉल्व करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उसको देखिए और इसको सीखने के बाद हम 4x4 को सॉल्व करेंगे। आपको 3x3 आता है ये समझकर हम 4x4 सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए करना ये होगा कि हमें इसको 3x3 में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करोगे, तो ये फर्स्ट लेयर हम मानेंगे, इन दो लेयर का एक लेयर बनाएंगे और इसका एक लेयर, यानी कि ये एक लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर, यानी कि बन गया हमारा ये 3x3 का रूबिक्स क्यूब। अब इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच में जो भी चार एजेस है ना इन सभी का एक एज बना लेंगे इसके जैसा, ओके। उसके बाद इनों को हम सेम करेंगे तो ये हमारी पूरी लाइन जो है एक बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 3x3 के क्यूब जैसा। अब करना ये है, आप जैसे कि हम यहाँ पे येल्लो का बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक येल्लो है, दूसरा येल्लो है, इसको यहाँ पे लाने के लिए हम इस प्रकार से घुमाएंगे ना तो निचला वाला निकल जाएगा, इसलिए हमें इसको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। यहां से यहां लाने का मतलब है इसका मैच जो है वो यहाँ पे है, तो इसको इस प्रकार से हम फिक्स कर सकते हैं, ओके। अब दो येल्लो को हमें ढूंढना है कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है और दूसरा वाला है वो कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, ओके। तो इस सेंटर में हमारा यहाँ पे येल्लो है, इसको कभी भी आप इस प्रकार से मत रखिएगा, हमेशा आपके यहाँ पे वर्टिकल रखिए, हॉरिजॉन्टल मत रखिए, इसको वर्टिकल रखिए। अब इसको और इसको मैच करने के लिए जब मैं इसको घुमा कर ले जाऊंगा ना तो वो यहाँ आ जाएगा और इसका मैच यहाँ पे है, यानी कि मुझे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रकार से। अब इनको और इनको मैच करने के लिए हम इस प्रकार से करेंगे, ओके। अब देखिए हमारा ये सेंटर बन जाएगा जैसे कि येल्लो होता है। तो दोस्तों येल्लो के ऑपोजिट में 3x3 में व्हाइट आता है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे अगर येल्लो बनाना है, हमने बनाया है तो हमें यहाँ पे व्हाइट बनाना पड़ेगा, ओके। अब देखिए व्हाइट, इस व्हाइट को इस व्हाइट से मैच करने के लिए इसको या तो हमें यहां पे लेना पड़ेगा या फिर इसको यहां पे, दोनों में से एक कर लेते हैं इस प्रकार से। इसको कभी भी हमें हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है, वर्टिकल रखना है। और यहां पे हमारा जो येल्लो खराब हुआ था ना उसको फिक्स करेंगे इस प्रकार से, इसको बिगाड़ने नहीं देना है। अब देखिए और दो को लेकर आना है हमें, यहाँ पे एक है और इसका जोड़ीदार देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे है, ओके। अब इनको और इनको मैच करना है, अब देखते हैं कैसे मैच हो सकता है। इनका और इनका मैच करने के लिए इस प्रकार से करेंगे, ओके, हो गया। अभी इन दोनों को मैच करने के लिए हमें इसी प्रकार से एक लाइन में लाना पड़ेगा। एक लाइन का मतलब है इनको मैच करने के लिए एक लाइन में लाने का मतलब यह है कि इसको खराब नहीं होने देना है। अब देखिए इसको हमें ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे आया, यहां से हमें इसको यहाँ पे लाएंगे क्योंकि हम जब येल्लो को फिक्स करेंगे ना तो हमारा ये खराब नहीं होना चाहिए। अब देखिए येल्लो भी ठीक है और व्हाइट भी ठीक है, लेकिन व्हाइट जो है येल्लो जो है हमारे यहाँ होना चाहिए था, हमने क्या किया है यहाँ पे बनाया है, तो इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा इस प्रकार से। यहाँ से कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे, फिर से येल्लो को ठीक करेंगे। अब इसको नीचे लेकर जाना है, यहाँ पे लाएंगे, जहाँ पे लाए वहीं पे नहीं रखेंगे और फिर से येल्लो येल्लो को मिक्स करेंगे और व्हाइट व्हाइट भी हमारा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ग्रीन बना लेते हैं। तो ग्रीन को बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से, और दो ग्रीन देखिए कहाँ पे हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, तो इनको हम क्या करेंगे कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे। तो येल्लो भी फिक्स है और एक ग्रीन बन चुका है। तो दोस्तों ग्रीन जो होता है ना, ग्रीन के ऑपोजिट में हमेशा ब्लू रहता है, तो इस ग्रीन के ऑपोजिट में ब्लू रहेगा, यहाँ पे ब्लू हमें और तीन ब्लू लाना पड़ेगा। अब इसको लाते वक्त हमारा ग्रीन खराब नहीं होना चाहिए, खराब टेम्पररी हम इसको खराब करेंगे, ऐसा नहीं रखेंगे कभी भी, इस प्रकार से रखेंगे
और जो भी हमारा खराब हुआ है उसको फिक्स करेंगे, और दो को लाना पड़ेगा, देखेंगे कहाँ पे हैं। देखिए ये लाइन में ही आ चुके हैं, ओके। तो इसको हमें नीचे लाना है, यहाँ पे जहाँ से लाया है वहाँ से इसको इस प्रकार से निकाल देंगे। जो ग्रीन हमारे खराब हो चुके थे वो अब ठीक है। अब दोस्तों इतना करने के बाद फिर से 3x3 का रूबिक्स क्यूब का संदर्भ हमें लेना पड़ेगा। देखिए अगर ऊपर व्हाइट है सामने ग्रीन है तो लेफ्ट में होता है ऑरेंज, राइट में होता है रेड। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑरेंज लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ही ऑरेंज है तो बाकी के ऑरेंज को लेकर आते हैं, कुछ इस प्रकार से लाते हैं। यहाँ पे लाए तो यहाँ पे नहीं रखेंगे इनको, इस प्रकार से जो खराब हुए हुए हमारे जो एजेस हैं इनको फिक्स करेंगे। अब देखिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, क्यूब को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऊपर व्हाइट है सामने अगर ग्रीन है तो यहाँ पे है हमारा ऑरेंज, मतलब यहाँ पे हमें ऑरेंज लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे ये इस प्रकार से गलत है, तो इनमें से ही लेकर जाएंगे और इनके साथ फिक्स करेंगे। ओके, जो खराब हुए हुए एजेस हैं इनको देखेंगे इस प्रकार से, और फिर से हम चेक करेंगे एक बार फिर से कि कहाँ पे हमें ऑरेंज लाना। यहाँ पे फिर से हम पीछे आ गए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेके आते हैं या फिर इसको लेके आते हैं यहाँ पे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाएंगे ना, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे रखेंगे। ये वाला जो है ये हमारा मेहमान है, इसको यहाँ पे लाएंगे, वर्टिकल रखेंगे। फिर से जो खराब हुआ हुआ जो ग्रीन है इसको फिक्स करेंगे। अब देखिए क्या होता है, फिर से एक बार हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर व्हाइट है और अगर सामने ग्रीन है तो यहाँ पे होना चाहिए ऑरेंज जो कि रेड हुआ है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे लाए, घुमाए, जो बिगड़ा था उसको फिर से ठीक किए, ओके। फिर से संदर्भ लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे होगा हमारा ऑरेंज, ऑरेंज इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ओके। इस प्रकार से घुमाते हैं, जो खराब हुआ है उसको फिक्स करते हैं, और हमारा यहाँ पे ठीक है क्यूब। अब देखिए हमारा सही से बना है कि नहीं, ऑरेंज ऊपर व्हाइट है सामने ग्रीन है नीचे येलो है लेफ्ट में ऑरेंज है और राइट में रेड है। तो हमारा 3x3 का रूबिक्स क्यूब का कॉम यहाँ पे खत्म हो जाता है, सेंटर हमारे बन चुके हैं। अब इनको बनाना है, अब इनको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके मैच कहाँ पे हैं। जैसे कि ये वाला और ये वाला कलर सेम होने के लिए हमें यहाँ पे व्हाइट और यहाँ पे रेड चाहिए, यानी कि इसका जोड़ीदार देखेंगे कहाँ पे है, व्हाइट और रेड, व्हाइट और रेड का जोड़ीदार देखेंगे कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे इसको इस प्रकार से, अब ये व्हाइट और रेड हमें एक लाइन में नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए। अब इनको कैसे लाएंगे, इसके लिए फ्रंट को इस प्रकार, टॉप को इस प्रकार और राइट को इस प्रकार, तो ये हमारा मैच कर जाएगा। देखिए मैच किया, इसको बरकरार रखने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे लाएंगे और एक मिस मैच को यहाँ पे डाल देंगे। फिर से जहाँ से लाए थे वापस ले जाएंगे, जो भी सेंटर खराब है उनको फिक्स करेंगे। ये देखिए इसको सेव कर लिया हमने इसी प्रकार से, और जितने भी हैं उनको भी हमें सेव कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन और व्हाइट है, तो ग्रीन और व्हाइट का हम जोड़ीदार देखेंगे कहाँ पे है, ग्रीन और व्हाइट का देखिए यहाँ पे मिल चुका है, ग्रीन व्हाइट, ग्रीन व्हाइट यही नहीं, यहाँ पे नहीं चाहिए, ये तो यहाँ पे एक है तो यहाँ पे चाहिए, या तो ये एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे चाहिए, एक लाइन में नहीं चाहिए। ऐसे घुमाइए टॉप को, ऐसे फिर से देखिए इस प्रकार से, इसको बरकरार रखने के लिए दूसरी तरफ लाइए, मिस मैच रिप्लेस कीजिए, वापस ले जाइए और इसको इस प्रकार से सेव कर लीजिए। अब देखते दूसरा वाला दोस्तों, इस ऐसा करते वक्त आपको लास्ट में तीनों को बचाना है, इस प्रकार से मिस मैच तीन बचाने हैं, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत है तो हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, लास्ट में देखेंगे कहाँ पे है, व्हाइट और
ब्लू है, तो व्हाइट और ब्लू कहां पे देखिए, व्हाइट और ब्लू यहां पे है, इस प्रकार से व्हाइट और ब्लू मैच हो जाएंगे। अब देखेंगे ये वाला और ये वाला मैच कर जाता है, इस प्रकार से घुमाते हैं, फिर वापस जो भी सेंटर खराब है उनको फिक्स कर लेते हैं। ये हो गए सेम। अब येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन है, येलो और ग्रीन है लाइन में है, फ्रंट को ऐसा, टॉप को ऐसा और राइट को नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा मैच। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे है, तो इसको इस तरफ करते हैं ना, ऐसा हमारा हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, ब्लू और रेड, यहाँ पे मिसमैच है, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ओके, फिर से वापस और फिर यहाँ। अब देखेंगे कि हमारे कितने बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा है, अभी तीन की तरफ ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारे अभी और ज़्यादा बचे हुए हैं। ये फिर से एक लाइन में आ चुके हैं, इनको इस प्रकार से घुमाकर हमारा काम बना लेते हैं। ओके, इस तरफ अभी मिसमैच नहीं है, इस तरफ है तो इस तरफ घुमाएंगे, दोनों तरफ का जिस तरफ मिसमैच है उस तरफ आपको घुमा लेना है। अब देखेंगे कि हमारे कितने यहाँ पे बचे हुए हैं, एक दो और तीन, हमारे मिसमैच तीन बचने चाहिए, हम उन पे उंगली रख के चेक करेंगे। यहाँ पे और एक है चार वाला, तो एक को फिक्स करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखते हैं कि किसको हम फिक्स कर सकते हैं। ये सेम लाइन में आ चुके हैं, अब देखते कितने रहे हैं, एक दो, खाली दो ही रहे हैं, हमें तीन चाहिए, तीन नहीं है तो हमें एक को खराब करना पड़ेगा फिर से। नहीं, हमारे पास तीन है, एक दो और ये तीसरा भी मिसमैच है, तो हमारे बाकी तीन यहाँ पे रहे हैं जो हमें चाहिए। हम एक बार कंफर्म कर लेंगे कि हमारे कितने बचे हुए हैं, तीन बचे हुए हैं। अब तीन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक कंडीशन आपको बनानी लेनी होगी कि अगर देखिए ये वाला और ये वाला लाइन में है, लाइन में नहीं चाहिए हमें। देखिए इसका मैच अगर यहाँ पे है ना, तो इसका मैच यहाँ पे होना चाहिए जो कि हमारे पास है, इसका मैच यहाँ पे है तो इसका मैच यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास है, लेकिन दोस्तों अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इनको पूरा रिवर्स कर दीजिए, यानी ये जो है ये सेंटर में व्हाइट में है ना, तो अगर इस प्रकार से मैच नहीं कर रहे तो इनको आपको येल्लो के पास ले जाइए, आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे मिसमैच है, मिसमैच को रिप्लेस करेंगे, वापस लेके आएंगे और हमारा जो सेंटर का प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद हमें फर्स्ट लेयर को सॉल्व करना है, जैसे कि हमारा थर्ड 3x3 के रूबिक्स क्यूब जैसा हमारा क्यूब बन गया है। अब हम यहाँ पे रेड का प्लस बनाएंगे। ठीक है, अब ज़्यादा दोस्तों आपको यहाँ पे कठिनाइयों का सामना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्यूब है ना वो 3x3 के क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए प्लस बन चुका है, प्लस बनने के बाद यहाँ पे ये वाला और ये वाला सेम है, इस तरफ रखेंगे, ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, इसको कुछ इस प्रकार से हम जिस 3x3 में सॉल्व करते हैं ना, सेम दोस्तों हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे इस क्यूब को। अभी कोनों में देखेंगे कहाँ पे रेड है, ग्रीन के पास लेके आते हैं, येल्लो है, ये मैच कर जाएंगे और हमारा फर्स्ट लेयर दोस्तों इस 3x3 के रूबिक्स क्यूब में हमारा बन जाएगा। इस प्रकार से बना लेंगे हम इनको।
ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, आपको खाली कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप 3x3 को कन्वर्ट कर लेते हो, उसमें सक्सेस हो जाते हो, तो जल्दी आपका क्यूब बन जाता है। ठीक है, ग्रीन की तरफ लाएंगे इसको थोड़ा सा, तो रेड राइट में है, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, फिर वापस इस प्रकार से येलो की तरफ ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेयर सॉल्व है, फर्स्ट लेयर सॉल्व होने के बाद हमें हक मिलता है सेकंड लेयर सॉल्व करने का। इसके ऑपोजिट में ऑरेंज है, कहाँ पे नॉन ऑरेंज है वो देखेंगे हम और फिक्स करेंगे। तो दोस्तों क्यूब सॉल्व करते वक्त 4x4 के रूबिक्स क्यूब में कभी कभी आपको सेंटर पैरिटी और कॉर्नर पैरिटी भी आ जाती है, उसका भी मैं अगर आता है यहाँ पे तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, अगर नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर क्यूब बनाते वक्त आ रहा है तो आपको अभी के अभी तीसरे लेयर में भी मिल जाएगा। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे अभी सेकंड लेयर को। सेकंड लेयर हमारा यहाँ पे 90% सॉल्व हो चुका है, देखेंगे ना कहाँ पे नॉन ऑरेंज है। ठीक है, और एक नॉन ऑरेंज चाहिए हमें। दोस्तों इस प्रकार से आप सेकंड लेयर को भी सॉल्व करोगे 4x4 के रूबिक्स क्यूब में। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि सेंटर पैरिटी आपको यहाँ पे कैसे हो सकती है, यहाँ पे देखिए टी है हो, यहाँ पे एक तो एल चाहिए कि वहाँ, या फिर आपको यहाँ पे सेंटर में खाली ऑरेंज चाहिए या फिर एक लाइन चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे टी मिला है, इसका मतलब है आपको सेंटर पैरिटी। यानी कि जब आपको सेंटर पैरिटी होगी ना दोस्तों, तो जो अनसॉल्व है ना यहाँ पे वो हमारी तरफ रखिए। अब देखिए सेंटर पैरिटी को सॉल्व करने के लिए आपको दोस्तों करना ये होता है कि आपको ये सेंटर सेंटर के जो एजेस है ना, इनको घुमाना पड़ता है बारी बारी में। आपको इसको एक बार घुमाना पड़ेगा, इसको दो बार घुमाना पड़ेगा, इसको तीन बार घुमाना पड़ेगा। जब ये घूमता है तो टॉप घूमता है, ये वाला घूमता है तो फ्रंट घूमता है। देखिए कैसे, अब इसको एक बार घुमाएंगे, दो बार और तीन बार, एक बार देखिए ऊपर से नीचे जाएगा। अब जबकि ये घुमा है तो हम टॉप को एक बार इस प्रकार से घुमाएंगे। अब ये एक बार घुमाए तो इसकी बारी है दो बार घूमने की। देखिए एक बार घुमा तो हम इसको फ्रंट को दो बार घुमाएंगे इस प्रकार से। अब जैसे दोस्तों ये ऊपर से नीचे एक बार घुमा तो नीचे से ऊपर दूसरी बार इस प्रकार से घूमेगा। अब ये घुमाए तो फ्रंट घूमेगा। अब दोस्तों इसकी तीन बार घूमने की बारी है, फर्स्ट में जो घूमेगा ना तीसरी बार तो ये दो बार घूमेगा, उसके बाद नीचे से ऊपर घूमेगा, ऊपर से नीचे। अब देखिए दो बार ऊपर, दो बार कैसे घूमेगा, ऊपर से नीचे एक बार और दो बार। अब ये टॉप इस प्रकार से। अब दोस्तों ये दो बार घुमा है लेकिन इसका एक ही काउंट है। अब इसको नीचे से ऊपर एक बार, यानी कि ये इसकी दूसरी बारी हो गई घूमने की, टॉप घूमेगा हमारा। अब ये ऊपर से नीचे एक बार घूमेगा, फिर से टॉप घूमेगा दो बार। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेड है ना, इसका जो मैच है ना, यहाँ पे भी रेड चाहिए तो इसका रेड हमारी यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे ये जो रेड है ना इसको यहाँ पे लेके आना पड़ता है। ओके, अब इनकी लाइन बन चुकी है तो इसको हमें दो बार नीचे घुमाना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे रेड कलर आ जाएंगे। इनको फिर से इस प्रकार से घुमाइए, देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे टी आपको बना बनाया हुआ मिल चुका है तीसरे लेयर में। ओके, इसके बाद अगर आपको सेंटर पैरिटी आती है तो, अगर इस वीडियो में आती है तो मैं आपको यही दिखाऊंगा, या फिर लास्ट में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सेंटर पैरिटी कैसी होती है। अब ये वाला और ये वाला फिक्स है, ये वाला और ये वाला फिक्स नहीं है, क्यूब को ऐसे पकड़िए, इसको एक बार ऊपर, टॉप को दो बार, इसको नीचे, ऊपर को वापस, इसको ऊपर, टॉप को, और जैसे रेड आएंगे ना तो हम नीचे ही कर लेंगे। अब देखिए ये वाला सेम हो चुका है, इसको भी सेम किया हमने, इसको भी सेम किया। अब देखेंगे कॉर्नर, एक कॉर्नर फिक्स है, ये वाला कॉर्नर फिक्स नहीं है क्योंकि वाइट इस एंगल से नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे अभी सेम जो कॉर्नर होते हैं उनको फिक्स करेंगे।
देखिए फिर से, फिर नहीं हुआ है फिक्स, फिर से करेंगे इस स्टेप को। और हमारे कॉर्नर दोस्तों इस बार तो फिक्स होने ही चाहिए, ओके, क्यूब इस तरफ से सॉल्व हो चुका है दोस्तों। देखिए अभी हमें फिर से सेंटर पैरिटी भी मिली और इस वीडियो में हमें कॉर्नर पैरिटी भी मिली, यानी कि ये वाला यहाँ पे होना चाहिए था, ये वाला यहाँ पे है। तो इनको कैसे हम ठीक से करें, इसके लिए देखिए स्टेप क्या है। सेंटर कॉर्नर पैरिटी के लिए आपको इसको घुमाना पड़ेगा एक बार, एक बार ये घूमेगा तो टॉप दो बार घूमेगा, फिर ये एक बार सॉरी दो बार घूमेगा तो ये सेंटर में घूमेगा। देखिए इस प्रकार से ये घुमाना तो टॉप को दो बार घुमाएंगे, फिर से इसी को घुमाएंगे दो बार, लेकिन अब टॉप नहीं घूमेगा तो सेंटर से पूरा क्यूब हमारा यहाँ पे इस प्रकार से घुमाएंगे। फिर से इसको दो बार घुमाएंगे ना तो फिर से सेंटर से हम क्या करेंगे इस प्रकार से घुमाएंगे। तो ऐसा करने से हम पीछे चले आते हैं थोड़ा सा, ये वाला हमारा मैच होगा, ये वाला मैच होगा, ये अनमैच और ये अनमैच, क्यूब को ऐसे पकड़िए। फिर से जो हमारे सेंटर एजेस को हम मैच करते हैं ना उसी स्टेप को हमें करना करके हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो सेंटर है इनको मैच करके एक बार देखना पड़ेगा कि कौन से मैच हुए। फिर से इस प्रकार से क्यूब को पकड़िए दो बार ऐसा, अब देखेंगे कौन से कोने ठीक से बैठे हैं। ये वाला ठीक से बैठा है, ठीक है, येलो कहीं पे भी नहीं है, ये वाला गलत है। अब देखेंगे कि हमें सेंटर सॉरी कॉर्नर फिर से ठीक से बिठाना है। अब देखिए ठीक से बैठे हैं, ये ठीक से बैठा है और इस तरफ तो क्यूब सॉल्व है। हम यहाँ पे जो स्टेप करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, वो क्यूब सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्यूब सॉल्व हो गया। दोस्तों इस प्रकार से आप क्यूब सॉल्व कर सकते हो, 4x4 का सेंटर पैरिटी के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, कॉर्नर पैरिटी के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा का पूरा रूबिक्स क्यूब आप 3x3 जैसे सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों इस प्रकार के और टेक्निकल के ट्रिक्स देखने के लिए, रूबिक्स क्यूब के ट्रिक्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।